बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस्तीफा दिया और कल कांग्रेस में शामिल होंगे चौधरी वीरेंद्र सिंह, पूर्व विधायक, उनकी पत्नी भी है प्रेमलता, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है, बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। और सांसद बृजेंद्र सिंह, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे सांसद बृजेंद्र सिंह पहले ही कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल कांग्रेस में शामिल होंगे चौधरी वीरेंद्र सिंह। इससे पहले भी कांग्रेस में रहे, लेकिन साल 2014 में बीजेपी में आए थे, उसके बाद केंद्र में मंत्री भी बने, और अब चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवार समेत कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। पहले ही इनके बेटे और सांसद हिसार से बृजेंद्र सिंह वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, और अब वीरेंद्र सिंह ने भी अपना इस्तीफा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेज दिया है, सौंप दिया है। कल कांग्रेस में शामिल होंगे चौधरी वीरेंद्र सिंह। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। इनकी पत्नी प्रेमलता, जो उचाना से पूर्व में विधायक रही हैं, उन्होंने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते रहे हैं, और अब बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस में उनकी वापसी होने जा रही है। कल कांग्रेस में शामिल होंगे चौधरी वीरेंद्र सिंह। बताया जा रहा है कि अपने कई समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल होंगे, और भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने आज अपना इस्तीफा दे दिया है। मैंने आज मेरा त्याग पत्र भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दे दिया है, और मेरे साथ ही मेरी धर्मपत्नी जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की भी सदस्य हैं प्रेमलता जी, उन्होंने भी अपना त्याग पत्र जेपी नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, हम दोनों ने इस्तीफा उनको भेज दिया है। ये सूचना मैं आपको दे रहा हूँ, और इसलिए कि मैं कल कांग्रेस में शामिल हूँगा, तो उससे पहले मेरा नैतिक कर्तव्य ये है कि मैं जिस पार्टी का सदस्य रहा हूँ 10 साल, उसको छोड़ने का निर्णय मैं भारतीय हाईकमांड, भारतीय जनता पार्टी के हाईकमांड तक कर दूँ।